हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस हम लोग इनबिल्ट सेटिंग से कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया माय कंप्यूटर में, फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर का रैम 4 GB। अभी हम लोग जाते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अब एडवांस ऑप्शन में फर्स्ट बटन है सेटिंग्स करके, वहाँ पे हम लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एडवांस में आप देख सकते हो नीचे वर्चुअल मेमोरी के यहाँ पे चेंज बटन था, वहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब ऑटोमेटिकली वाले पे ऑटोमेटिक हटा देंगे, चेक ओके। फिर हम लोग आएंगे नीचे के सेक्शन में, सब ड्राइव्स के नाम दिए हुए। फिर हम लोग और नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिकमेंडेड मेमोरी उन्होंने दिया है 6 GB के आसपास। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कस्टम साइज पे, फिर यहाँ पे जो रिकमेंडेड है 6093 MB, आप उतना दीजिए या फिर उससे कम दीजिए। उससे ज़्यादा दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोनों जगह पे सेम साइज़ लिखना है। अभी उसके बाद सेट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आप मेमोरी एलोकेट हो चुकी है आपको। कभी कोई कोई केस में कंप्यूटर रिस्टार्ट करने बोलेगा, रिस्टार्ट कीजिए, अप्लाई ओके और फिर से ओके। अभी आप रिस्टार्ट नाउ करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब सेटिंग्स रिवर्ट कैसे करेंगे सब सेटिंग होने के बाद। अभी फिर से मैं आपको दिखा दूँ एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे एडवांस करके जो आएगा विंडो, वहाँ पे जाना है एडवांस में। फिर हम लोग फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एडवांस में फिर से हम लोग वर्चुअल मेमोरी में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे सिर्फ कुछ करना नहीं है, स्टार्टिंग में जो ऑटोमेटिकली जो था बॉक्स चेक बॉक्स वहाँ पे चेक करना है, फिर ओके, फिर से ओके एंड देन फिर से ओके और फिर से रिस्टार्ट कर लीजिए कंप्यूटर।